तो पहले हम गए थे देसप्रियो पार्क, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, महल जैसा बनाया हुआ है। और भीड़ देख रहे हो, भीड़ देखो एक बार, ये तो षष्ठी का दिन का है और बाकी के दिन का फिर क्या हुआ होगा। और वहाँ दूर है दुर्गा प्रतिमा, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे। तो पहले साइड से व्यू देख लो एक बार, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, पूरा महल जैसा लग रहा है एकदम। तो इसमें आपको साइड में से घूम घूम के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम एक स्टेप आगे आ गए हैं, तो और इसके अंदर जाएंगे इसके बाद। अंदर घुस रहे हैं हम और बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर का नज़ारा। और वहाँ पर देखो दो कबूतर बैठा हुआ है जो कि नकली है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, असली जैसा ही लग रहा है। ऊपर का देखो, ज़बरदस्त लग रहा है ऊपर एकदम, जो विक्टोरिया होता है ना, विक्टोरिया के अंदर जैसा होता है वैसा ही लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लाइट देखो ऐसे, मतलब लग ही नहीं रहा है पैंडल है। प्रतिमा देखो जैसे लग रहा है मंदिर ही है। बहुत ज़बरदस्त। फिर वहाँ से बाहर निकले के यहाँ पर मिल गया हमें फ्री सैंडविच हसले की तरफ से। और पसीना देख रहे हो, बहुत गर्मी था यहाँ, बहुत गर्मी है यहाँ पर। और ऐसे भीड़ भी है, ऐसा है भीड़ देखो एक बार कैसे। वहाँ पर साइड में एक है, वो हम गए नहीं। और यहाँ पर भीड़ देख रहे हो, वहाँ दूर पे है दुर्गा पेंडल। और भीड़ देख रहे हो जैसा लग रहा है पूरा भीड़ यहाँ पर ही लगा हुआ है, सब देख रहे हैं। यही होता है क्रेज दुर्गा प्रतिमा देखने का कोलकाता में, सब दूर है। और यहाँ पर बहुत ऐड का, मतलब ऐड ही ऐड है चारों तरफ, जिस पेंडल में भी जाओगे वहाँ पर भी ऐड है। मतलब ये लोग लगता है पूरा पेंडल का खर्चा ऐड से ही उठा लेंगे। ये देखो अंदर का कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब बाहर से। अब फिर हम थोड़ा, अभी थोड़ा और नज़दीक आ गए हैं। देखो नज़ारा देखो, बहुत अच्छा लग रहा है ये साइड पे। अब अंदर जाएंगे धीरे धीरे। और ये लग रहा है कुछ रस्सी वगैरह से कुछ बनाया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। नज़ारा तो एकदम वाव फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देसप्रियो पार्क के आसपास ही है। ये देखो अंदर, अंदर का नज़ारा देखो, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे वो होता है ना सनफ्लावर जैसा, वैसा कुछ लग रहा है ऊपर। ये कुछ बनाया हुआ है शायद, और चारों तरफ से वॉलंटियर का बासी सुनाई दे रहा है कब से। और यहाँ पर साइड पे कुछ सीढ़ी जैसा, वैसा कुछ छोटा छोटा बनाया हुआ है डिजाइन हुआ। और प्रतिमा देखो वैसा लग रहा है ना, गोल्ड, कुछ गोल्ड जैसा। ये वाला तो लगता है मतलब बेस्ट था ये, इसका जो डिजाइन था। ये देखो पूरा व्यू लग रहा है ना, ज़बरदस्त खतरनाक। इसके लिए ही उतनी देर से भीड़ था, जो भीड़ देख रहे थे ना, जैसा लग रहा है तो पूरा कोलकाता का भीड़ यहाँ पर, तो उसके ही था। फिर उसके बाद हम पहुँच गए हजरा बालक संघ, यहाँ पर भी ठीक है। साइड पर डिजाइन को है, जो गेट है उसके अंदर अंदर। ये देखो इसका गेट, यहाँ का डिजाइन भी काफ़ी अच्छा है, जो ऐसा लग रहा है ना हाथों का काम होता है, जैसे आदिवासी जो गांव होते हैं वैसे होते हैं ना, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है शायद। और ये अंदर का देखो व्यू, यहाँ पर भी प्रतिमा भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, थोड़ा सा छोटा है लेकिन अच्छा लग रहा है। और ऊपर अगर थोड़ा और अलग लाइट देते, वो जो फूल जैसा है उसके अंदर, तो अच्छा लगता। और ये सिर्फ यहाँ पर ही ढाक बज रहा है पूरे, जहाँ पर भी देखा मैंने कहीं पर नहीं देखा, यहाँ पर ही बज रहा था सिर्फ। फिर हम निकल गए बाहर। और ये देखो ये बाहर की तरफ भी भीड़, ये मतलब उसका ऑपोजिट साइड है। तो ये भी देसप्रियो पार्क के आसपास ही है। यहाँ पर जो डिटेल में काम किया गया है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर कुछ अशोक चक्र जैसा बनाया हुआ है चारों तरफ, वो मतलब जो
जो बैलगाड़ी का चक्का होता है ना उसका जैसा कुछ बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट भी यहाँ पर बहुत अच्छा है और हर चारों तरफ कुछ एक चक्का चक्का टाइप कुछ जो वो बैलगाड़ी का चक्का होता है वैसा बनाया हुआ है चारों तरफ, और क्लॉक भी है एक दो जगह। डिजाइन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर पेंटिंग वेंटिंग किया गया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर एक फ़ोटो खींचने का अच्छा जगह है यहाँ पर कोने में, और यहाँ पर भी वो देखो घूम रहे हैं वो चक्कू वाला चक्का, सब जैसे चक्का चक्का टाइप कुछ बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो इसका प्रतिमा, ये देखो दोनों घूम रहा है वहाँ पर, सुंदर काफ़ी है यहाँ पर भी। और भीड़ तो है ही, और जिस पेंडल में जाओ कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा थीम बनाया हुआ है। ये देखो घूम रहा है यहाँ पर, ये रहा इसका एंट्री था, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में घुसे, इस तरफ से एंट्री था इसका, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वहाँ से निकल के हम एक गली में घुसे तो वहाँ पर भी देखा पेंडल पे, पहले तो हमें पेंडल मिल ही नहीं रहा था, अब देखा ये ही पेंडल था बक्सा बक्सा जैसा, वो देखो प्रोजेक्टर चल रहा है उसके ऊपर, बक्सा बक्सा बनाया हुआ है ना, ये पेंडल है इसके। तो हमें लगा था वैसा ही कुछ होगा, तो अंदर तो काफ़ी अच्छा, ये देखो हमें लग रहा था वैसा ही होगा अंदर, इसमें कुछ मैकेनिज्म किया गया है, ये खोल रहा है बंद हो रहा है, खोल रहा है बंद हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी ज़बरदस्त लग रहा है एकदम, और ये देखो इसका प्रतिमा, और साइड में पूरा जो पेंडल है इसके अंदर पूरा एक जो पुराना पेपर होता है ना, पुराना जैसे उस टाइप का डिजाइन किया गया हुआ है, मतलब कुछ बानी बानी कुछ लिखा हुआ है पेपर में ऊपर, ये शानदार लग रहा है एकदम, दिल खुश हो गया इसको देख कर, बहुत अच्छा लग रहा है ये, जैसे कोई फ्लावर हो। और इसके चारों तरफ वो पेपर से बनाया हुआ है, चारों तरफ पेपर चिपका हुआ है, छोटे छोटे जो देख रहे हो पूरा पेपर। फिर वहाँ से बाहर निकल गए, फिर शुरू हो गया ज़बरदस्त बारिश, ये देखो। और वो जतीन दास रोड के बगल में एक गली में था, ठीक है, ये देखो बारिश चल रहा है, अचानक ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई, तो हम थोड़ा भीग गए। और यहाँ पर देखो एम्बेसडर में टोयोटा का लोगो अलग ही चल रहा है यहाँ पर, तो मैं तो यहाँ पर जा नहीं पाया, तो ये वीडियो मैंने मेरे एक दोस्त से कलेक्ट किया है। आज हमने आपको देशप्रियो पार्क का जो आसपास का जो दुर्गा पेंडल है वो सब दिखाया, तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। उसके बाद हम घर चले गए, बारिश हो रहा था, बस में भी बहुत भीड़ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।